हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं जीनस फ्यूनेरिया को लेकर के आए हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर फ्यूनेरिया पर होने वाला है, दोस्त मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर हमारा यह पूरा लेक्चर आपने देख लिया तो अगर फ्यूनेरिया से प्रश्न आ रहा है तो इस लेक्चर के बाहर नहीं जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज बने रहिए हमारे साथ और देख लीजिए यह लेक्चर कैसा है, और ऐसे ही लेक्चर आगे हमारे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्यूनेरिया का आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करें अगर फ्यूनेरिया के बारे में जानते हैं, ब्रायोफाइटा का यह महत्वपूर्ण जो है जीनस है फ्यूनेरिया, और इसकी जो क्लास की अगर बात करें कि फ्यूनेरिया का क्लास क्या है और इसका सब क्लास क्या है, क्लास और सब क्लास। तो इसका जो क्लास है दोस्त, हम आपको बता दें जो क्लास है वो है ब्रायोप्सिडा। क्या है? वह है ब्रायोप्सिडा। और इसका जो सब क्लास है वह है ब्राइडी। क्या है? वो है ब्राइडी। ठीक है, ये है सब क्लास। अब फ्यूनेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके जो कॉमन, कुछ कॉमन नेम है फ्यूनेरिया के, तो देखते हैं आखिर इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसके तीन कॉमन नेम हैं। एक तो कहा जाता है कॉडमास, कॉडमास, और दूसरा कहा जाता है इसे कॉमन मास, कॉडमास, कॉमन मास, और तीसरा है इसका ग्रीन मास। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन मास कहते हैं। इसके तीन नेम हैं दोस्त, कॉडमास, कॉमन मास और ग्रीन मास, तीन इसके नाम हैं। और इसकी अगर प्रजातियों की बात करें, फ्यूनेरिया की प्रजातियां की, पूरे विश्व में इसकी लगभग 117 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां हैं इसकी पूरे विश्व में? तो हम आपको बता दें इसकी 117 स्पीसीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कितनी है? 117 प्रजातियां हैं। जबकि इंडिया में, इंडिया में हम आपको बता दें कितनी है, कहीं कहीं आपको 15 दिख जाएगा, कहीं कहीं आपको 17-18 दिख जाएगा। तो आप कह सकते हैं अबाउट 15-18 स्पीसीज ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है इंडिया में। कहां? इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में 15-18 स्पीसीज लगभग, और 117 स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती है। और जिनमें से फ्यूनेरिया का, फ्यूनेरिया की कॉमन स्पीसीज है उसका क्या नाम है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। क्या नाम है उसका? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ठीक है, ये कॉमन स्पीसीज है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ठीक है, क्या नाम है कॉमन स्पीसीज का इसके? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, हाइग्रोमेट्रिका इसकी कॉमन स्पीसीज है, इसकी कॉमन स्पीसीज है फ्यूनेरिया की। ठीक है, अब अगर बात करें कि आखिर यह फ्यूनेरिया पाई कहाँ जाती है, इसका ऑकरेंस की अगर हम बात करें, प्राप्ति स्थान की, तो देखिए कहाँ कहाँ होती है। पहली बात तो ये होती है डैम सॉयल में। कहाँ होती है? डैम सॉयल में, डैम सॉयल अर्थात नम मृदा में, दलदली मृदा में। ठीक है, दूसरी बात मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, सैडी प्लेसेस। ठीक है, सैडी प्लेसेस नम और छायादार स्थानों में, सैडी प्लेस छायादार स्थानों में। ओल्ड वॉल, जो कुछ पुरानी दीवार हैं, कुछ पुरानी दीवार हैं वहां पाई जाती हैं। और चौथी और कहां पाई जाती है? बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री यानी कुछ पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी छालों पर ये पाया जाता है। और एक हैबिट में पाई जाती है, उस हैबिट का नाम है अर्थात झुंड में पाई जाती, समूह में पाई जाती है, उसे कहते हैं ग्रिगेरियस हैबिट। ठीक है, किस हैबिट में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस हैबिट में पाई जाती है। ग्रीगेरियस हैबिट अर्थात ग्रीगेरियस हैबिट को आप कह दीजिए ग्रुप ऑफ, सॉरी, ग्रो इन ग्रुप, ग्रो इन ग्रुप। जब यह किसमें वृद्धि करती है? समूह में वृद्धि करती है। किसमें वृद्धि करती है? समूह में वृद्धि करती है, तब इसे कहते हैं ग्रिगेरियस हैबिट। तो इतने इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इसके जो कॉमन पॉइंट्स बनते हैं, मैंने कॉमन पॉइंट्स की कुछ बात किया। अब चलते हैं इसकी मेन बॉडी पर चलते हैं। ठीक है, आखिर इसका मुख्य पौधा कैसा होता है? ठीक है, चलिए देखिए जरा इसकी मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी कैसी होती है। इसकी मेन बॉडी होती है गैमिटोफाइट। कैसी होती है? वो होती है गैमिटोफाइट। मुख्य पौधा इसका गैमिटोफाइट होता है, आप जानते हैं गैमिटोफाइट। इसमें दो स्टेज होती हैं गैमिटोफाइट में। कितनी स्टेज होती हैं इसमें? स्टेज होती हैं दो। एक तो प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज होती है, प्रोटोनीमा स्टेज होती है, और दूसरी स्टेज होती है गैमिटोफोर। क्या होती है? गैमिटोफोर।
ये दूसरी इसकी स्टेज है गैमेटोफोर। अगर प्रोटोनीमा की मैं बात करूँ, किसकी, प्रोटोनीमा की, तो ये कैसी होती है प्रोटोनीमा अवस्था, ये होती है मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होती है और इसके साथ साथ ग्रीन भी होती है। कैसी होती है, ग्रीन भी होती है, ठीक है। और जो गैमेटोफोर है ये कैसी होती है, ये होती है अनब्रांच्ड। कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है और इसके साथ साथ यही तो इसकी मेन बॉडी है गैमेटोफोर, ये इसकी मेन बॉडी है। और इसकी मेन बॉडी देखिए 3 to 5 centimeter इन हाइट, 3 to 5 centimeter यानी ऊंचाई में कितनी होती है, लगभग 3 to 5 centimeter होती है। कौन सी स्टेज, गैमेटोफोर। अब इसको आप फिगर के माध्यम से देखिए, आखिर प्रोटोनीमा स्टेज कौन सी है और इसकी गैमेटोफोर स्टेज कौन सी है। जो प्रोटोनीमा है देखिए, अगर इसके स्पोर की बात करें, मान चलिए ये स्पोर है, अब यहाँ से इसका अंकुरण हो रहा है, आगे चल रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ से इसके क्या निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं राइजोइड। क्या निकलते हैं भाई, राइजोइड्स निकलते हैं। और ये इसमें राइजोइड्स किसकी विशेषता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो इसका राइजोइड है, राइजोइड ये होता है कैसा होता है, मल्टी सेलुलर इसका राइजोइड होता है। और इसमें ऑब्लिक सेप्टा, तिरछे पट होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा विथ ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है, ये इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइजोइड को बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें यही है क्या, इसका बेसल वाला पोर्शन ये है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा हो जाता है, ठीक है। चलो भाई ब्रांचिंग हो जाओ, इस प्रोटोनीमा से ही इसकी निकलती हैं लीफ, क्या निकलती हैं दोस्त, यहीं से निकलती हैं कुछ लीफ्स निकलती हैं इस तरीके से, इसकी ये हो गई लीफ, ये हो गई लीफ, ये हो गई लीफ, और यहीं से लीफ, यहीं से निकलती है इसकी जो है, ये है कैलिप्ट्रा और ये है कैप्सूल या स्पोरोफाइटिक अवस्था, कैप्सूल और ये है कैलिप्ट्रा, ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज, ये गैमेटोफोर स्टेज है, ये गैमेटोफोर स्टेज है दोस्त, गैमेटोफोर स्टेज है। और ये स्टेज क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज है और ये क्या है, राइजोइड है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें इसके राइजोइड के बारे में, एक पॉइंट आप देख लीजिए इसके राइजोइड के बारे में कि इसका राइजोइड से क्या क्वेश्चन आता है, राइजोइड को भी देख लेते हैं। देखिए राइजोइड्स के बारे में मैंने पहली बात बता दिया कि ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ऑब्लिक सेप्टा के साथ होता है, मल्टी सेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा इसमें होते हैं, मल्टी सेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा। थोड़ा सा दोस्त हम आपको बता दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना हो रहा है इसमें, ठीक है। राइजोइड्स मल्टी सेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा के साथ होता है और ये एनालॉगस टू रूट ऑफ हायर प्लांट, टू रूट ऑफ हायर प्लांट यानी उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ इसको बताया जाता है कि इसकी समानता दर्शाता है। अब यहाँ एक बात आ गई कि एनालॉगस किसे कहते हैं, एक शब्द है एनालॉगस और एक शब्द है भाई होमोलॉगस, एक शब्द है होमोलॉगस, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एनालॉगस और होमोलॉगस क्या है। देखिए इसकी समानता जड़ से की गई है उच्च कुल के पौधों की, राइजोइड्स की, ठीक है। और एनालॉगस किसे कहते हैं, जब जो है ओरिजिन और फंक्शन दो चीज़ें होती हैं, जब फंक्शन दोनों का क्या हो, फंक्शन सेम हो और इसकी ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, ओरिजिन डिफरेंट हो, डिफरेंट, तब उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एनालॉगस। और इसके विपरीत जब होमोलॉगस किसे कहते हैं, जब फंक्शन क्या हो, फंक्शन इसका डिफरेंट हो, फंक्शन डिफरेंट हो और ओरिजिन, ओरिजिन इसकी क्या हो, ओरिजिन इसकी सेम हो, तब उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं होमोलॉगस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, थोड़ा लीफ्स के बारे में बात करते हैं, लीफ के बारे में कि आखिर इसके लीफ को देखते हैं, जो लीफ्स है इसकी, लीफ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप बताइए, हम आपको बता दें जो इसका एक्सिस है, एक्सिस और लीफ, लीफ के अगर बारे में बात करें तो इसमें ये यहाँ पर कुछ फिलॉयड, कैसी फिलॉयड, लीफ इसकी फिलॉयड। और अगर इसकी फिल्ली फिलोटैक्सी के बारे में बात करें, फिलोटैक्सिक अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द रैचिस, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द रैचिस कॉल्ड फिलोटैक्सी।
अब फिलोटैक्सी की बात करें, यानी अरेंजमेंट, पत्ती की व्यवस्था, उस सिस्टम पर पत्ती की व्यवस्था क्या कहलाती है? फिलोटैक्सी। इसमें फिलोटैक्सी कैसी होती है? इन इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में, पहली पत्ती 1/2-3 पहली पत्ती तीसरी से मैच करती है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। और ये इनिशियल कंडीशन में है, इनिशियल प्रारंभिक कंडीशन, बिगिनिंग में। और 1/8 ये एट मैच्योरिटी पर है, एट मैच्योरिटी पर है, ठीक है, मैच्योरिटी पर है। अर्थात जब परिपक्व हो जाती है पत्ती, तब पहली पत्ती आठवीं से समानता दर्शाती है। इस तरीके से जैसे एक पत्ती इधर आई, दूसरी चक्र में गई, तीसरी जो आएगी इसी से समानता दर्शाएगी, ठीक है। अब ये चक्र बनाएगी ऐसी, तो पहली आठवीं समानता दर्शाती है, मैच्योरिटी पर होती है। और इसकी पत्ती से अगर हम क्वेश्चन कहें तो इसकी पत्ती कैसी होती है? वो सिंपल होती है, सिंपल होती है, और सेसाइल होती है। सेसाइल बोले तो हम आपको बता दें, सेसाइल किसे कहते हैं? जब पत्ती डायरेक्ट अटैच होती है, यहाँ से डायरेक्ट अटैच होती है, अर्थात आप पत्ती देखोगे कुछ इस प्रकार से भी व्यवस्था होती है, तो ये नहीं होगा इसमें, ये डायरेक्ट अटैच है, तो उस पत्ती को कहते हैं सेसाइल, ठीक है, सिंपल सेसाइल। और इसमें सिंगल मिडरिब होती है, सिंगल क्या होती है? इसमें सिंगल मिडरिब होती है इसकी पत्ती, और सिंगल मिडरिब के साथ इसमें कोई वेनेशन नहीं होता है, आप कह दीजिए नो वेनेशन, इसमें सिरा विन्यास नहीं होता है। नहीं तो आप पत्तियों में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जालिकावत संरचना बन जाती है, इसे कहते हैं सिरा विन्यास, ऐसे गोचू मोचू, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक यही मिडरिब होती है, सिंपल सी मिडरिब, ठीक है, सिंगल मिडरिब होती है इसमें। तो ये पत्ती से इसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, पत्ती से मैंने आपको पत्ती के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन और फंस जाएंगे। कैसे? इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए जरा, पहली बात तो जो अक्ष है, इसका एक्सिस है, वो स्टेम से समानता दर्शाता है, स्टेम से, एक्सिस इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सिस आई इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर इसके देखिए, इसकी मैंने बताया एक्सिस की जो तुलना है वो की गई है स्टेम से, किससे की गई है? स्टेम से। अब स्टेम में आप जानते हैं उसके स्ट्रक्चर में कि सबसे बाहर की तरफ तो होती है क्या, बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस, बाहर की तरफ एक लेयर होती है, कौन सी? ये होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गई। और दूसरी जो इसके बीच अंदर है, ये पोर्शन है, ये और स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और एक इसके अंदर और स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर है कंडक्टिंग स्ट्रैंड, क्या है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड, कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ये संरचना बनती है इसमें, किसमें? एक्सिस में, इसके एक्सिस, एक्सिस किसे कहते हैं? जैसे ही पत्ती निकल रही है, ऐसे निकल रही है पत्ती इस तरीके से, और यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से कुछ निकल रही पत्ती, फिर यहाँ से चलता है, अब निकलता है स्पोरोफाइटिक एकलिप्ट्रा, तो ये है एक्सिस, ठीक है। इसकी कटिंग देखा तो ये तीन पोर्शन बिल्कुल कैसे दिखते हैं? स्टेम की तरह दिखते हैं। अब इसके अगर लीफ की अगर बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैसी दिखती है उसको भी देख लीजिए। यहाँ बीच में होता है कंडक्टिंग स्ट्रैंड, क्या होता भाई? ये है कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है। और उसके बाद यहीं से जो है निकलते हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर, ये है विंग लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई, इसको आप दिल से मत लेना, फिगर टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से। ये है इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये है विंग, इसे क्या कहते हैं? विंग है, ठीक है। अब ये है इसी बीच में ही, तो मैंने बताया सिंपल क्या होती है, ये होती है मिडरिब, क्या होती है? यहाँ होती है मिडरिब, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी? कंडक्टिंग स्ट्रैंड। इसका अच्छा एक बात और, इसे आप हाइड्रोम अथवा क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोम भी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे हम हाइड्रोम, अथवा इसको मेड्यूला, क्या कहेंगे? अथवा इसको हम मेड्यूला, क्या कहेंगे? मेड्यूला, ठीक है। तो ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की मैंने बात किया, लीफ और स्टेम की,
गर्मी का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ तो इसीलिए हमें लगता है और गर्मी आ रही है भाई। एक बात और, पैरेन्काइमेटस विद क्लोरोप्लास्ट, पैरेन्काइमेटस, ये पैरेन्काइमेटस विथ क्लोरोप्लास्ट, विथ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात ये, इसमें स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा आर एब्सेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्यूनेरिया की पत्ती में स्टोमेटा क्या होते हैं? नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। अब चलते हैं, ये तो कॉमन पॉइंट्स मैंने बताया आपको शॉर्ट में, अब चलते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करने चल रहे हैं अब बात करने चल रहे हैं रिप्रोडक्शन के, तो रिप्रोडक्शन देख लेना भाई जरा संभल के, क्योंकि आजकल पूरे जीव, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर, चाहे गधा ही हो, कुछ नहीं जानेगा लेकिन रिप्रोडक्शन जरूर जानता है, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, कुछ नहीं जानेगा लेकिन रिप्रोडक्शन जरूर जानता है। पता नहीं क्या रिश्ता है, गॉड ने कैसा रिश्ता बनाया। देखो जरा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूनेरिया में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एक तो वेजिटेटिवली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिवली और सेक्सुअली दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करने चल रहे हैं भाई, बात करने चल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इसको देखते हैं फिर सेक्सुअली देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है फ्यूनेरिया में, ये कितनी विधियों द्वारा होता है, तो इसकी विधियाँ हैं पाँच। वेजिटेटिव मतलब शरीर के किसी विभाग से दूसरा नया पौधा बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें पांच हैं, पांच विधियां हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, कौन कौन सी हैं उसको भी देख लीजिए। पहला तो है बाई फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा के फ्रैगमेंटेशन द्वारा। दूसरी क्या विधि है, बाई फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तीसरी विधि है बाई फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल के निर्माण की विधि द्वारा। अगला है बाई फॉर्मेशन ऑफ जिम्मी, ठीक है, जिम्मी बहुत फेमस है भाई, जिम्मी। और अगला है पांचवा, बाई एपोस्पोरी, ठीक है, एपोस्पोरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एपोस्पोरी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपोस्पोरी समझिए आप, गैमेटोफाइट का विकास, एपोस्पोरी देखिए जरा, एपोस्पोरी, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के डायरेक्ट गैमेटोफाइट का निर्माण क्या कहलाता है, एपोस्पोरी कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार का जो गैमेटोफाइट का निर्माण होता है वो गैमेटोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, अर्थात 2N होता है, कैसा होता है, 2N होता है, इस प्रकार का जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, इस प्रकार का गैमेटोफाइट ऐसा। तो चलते हैं अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम इसमें, ये तो हो गया भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करने चल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फटाफट के अंदाज में, दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें दोस्त, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उगैमस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उगैमस का मतलब है इसमें कि मेल जो होता है वो मेल गैमिट मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमिट होता है
वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये हो गया उगैमस प्रकार का, ठीक है, उगैमस। और इसका जो प्लांट है, फ्यूनेरिया का प्लांट है, वो होता है मोनोइसियस। कैसा होता है? मोनोइसियस प्लांट है, मोनोइसियस। मोनोइसियस किसे कहते हैं? देखिए, एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। ये पौधा एक ही होगा, अर्थात सेम प्लांट। क्या कहेंगे हम? सेम प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों, बट इसकी जो है, जो ब्रांच है वो डिफरेंट होती है। ब्रांच क्या होती है? वो होती है डिफरेंट, ब्रांच इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा तो इसकी मोनोइसियस कंडीशन आ गई। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इसका होता है, उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया। क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इससे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं आर्चीगोनिया। क्या कहते हैं इसको? आर्चीगोनिया कहते हैं। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं एंथ्रीडिया और आर्चीगोनिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले समझ लिया जाए कि आखिर एंथ्रीडिया क्या है और आर्चीगोनिया क्या है, फिर आगे चलते हैं इनके हम चक्र को, जीवन चक्र को, लाइफ साइकिल को समझते हैं। अच्छा, एक बात पहले थोड़ा सा समझ लिया जाए, यहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्चीगोनिया को देखते हैं। जो इसका, देखिए, तुलनात्मक अध्ययन अगर करेंगे तो बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग समझ जाएंगे एंथ्रीडिया और आर्चीगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्चीगोनिया, आर्चीगोनिया। समझिए, ये जो एंथ्रीडिया होता है, ये होता है भाई क्लब शेप्ड। कैसा होता है? क्लब शेप्ड, मुग्धाकार होता है, हनुमान जी का गदा। और ये कैसा होता है? ये फ्लास्क शेप होता है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है, घड़े के आकार का होता है, फ्लास्क की तरह होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है। ये अब एंथ्रीडिया जो है, जिस ब्रांच पर अर्थात जिस शाखा पर ऐसे लगे होंगे, देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, एक तरफ आर्चीगोनिया और एक तरफ एंथ्रीडिया। तो यहाँ से बनते हैं, यहाँ पर ये है एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर, ये है एंथ्रीडिया का भाई स्ट्रक्चर हमने बना दिया ऐसा। चल भाई एंथ्रीडिया ऐसा, इसके बाहर स्टेराइल मल्टीसेलुलर स्टेराइल जैकेट लेयर होती है। ऊपर जो है, देखिए जरा, दो सेल्स अलग होती है, ये दोनों सेल्स कवर करती हैं इसको ऊपर से। इसका नाम है ऑपरकुलम, यहाँ इसका क्या नाम है? ऑपरकुलम, ऑपरकुलम, ठीक है। अब ये है स्टेराइल, जो इसकी स्टेराइल मल्टीसेलुलर जैकेट है, मल्टीसेलुलर जैकेट है, जैकेट, ठीक है। यहाँ से, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा, अब यहाँ से जो है, ये तो इसका स्टॉक है, क्या भाग है? ये इसका स्टॉक है। अब यहीं से कुछ संरचनाएं और निकलती हैं, यहीं से कुछ संरचनाएं और निकलती हैं, तो वो कौन सी संरचनाएं होती हैं उसको भी समझ लीजिए। ये संरचनाएं कुछ इस तरीके से निकलती हैं, जिसे कहते हैं कैपिटेट पैराफाइसिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैपिटेट पैराफाइसिस, कैपिटेट पैराफाइसिस, ठीक है। यहाँ से, अब यहीं से और कुछ लीव्स निकलती हैं, कुछ पत्तियाँ निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं इस तरीके से, इसे कहते हैं पेरीगोनियल लीफ। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरीगोनियल लीव्स, पेरीगोनियल लीव्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर भी संरचना ये देखिए, कैपिटेट जो पैराफाइसिस होता है, इसका काम क्या होता है? इसको प्रोटेक्ट करना, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। और इसके साथ साथ, प्रोटेक्शन के साथ साथ, इसका काम और होता है मेंटेन मॉइस्चर, मेंटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्या करता है? ये मेंटेन करता है, ठीक है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, अभी आगे हम आर्चीगोनिया को भी, गर्मी मैंने बताया ज़्यादा है दोस्त, ठीक है, इसलिए याद दिला रहा हूँ बार बार, क्योंकि गर्मी लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा, यहाँ पर जो आर्चीगोनिया होती है इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं। अब यहाँ से ये तो हो गई भाई फ्लास्क शेप्ड होती है, ऐसे फ्लास्क शेप्ड,
ये आर्चिगोनिया है फ्लास केप, अच्छा यहीं पर ये स्टाक इसका होता है स्टाक, और यहाँ पर ये भी हो गई भाई इसका जैकेट। अब यहाँ से ये बंद होगी, नेक कैनाल सेल भी होगी, विंटर कैनाल सेल, ईग सेल इस तरीके से, और यहाँ पर दो होगी कवर सेल। क्या होती है इस पर? कवर सेल होती है। ये देखिए यहाँ पर था अपर कुलम, यहाँ कवर सेल है, ठीक है, ये नेक कैनाल सेल है। अभी मैं विस्तार से बना रहा हूँ, ये जहाँ पर व्यवस्थित होगी, जिस संरचना पर ये व्यवस्थित होगा। अब देखिए यहाँ पर भी वो संरचना होगा पैराफाइसिस, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी पैराफाइसिस, लेकिन कैपिटेट पैराफाइसिस नहीं, केवल यहाँ पर पैराफाइसिस होती है, पैराफाइसिस होती है। और यहाँ पर और लीफ होती है, यहाँ पर भी लीफ होती है, और इस लीफ को देख लीजिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर नाम पेरिगोनियल दिया और यहाँ नाम होता है पेरिचीटियल। क्या? पेरिचीटियल लीफ्स, पेरिचीटियल लीफ्स, ठीक है। ये अंतर है पहले स्टार्टिंग में ये अंतर है इसमें, ठीक है। अब अगर इसके हम संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर को बनाएं, अगर विस्तार से ब्रॉड में संरचना इसकी बनाएं, तो ये देखिए ये है एंथ्रीडिया, ये है एंथ्रीडिया भाई, यहाँ से चलो यहाँ पर मैंने बताया ये क्या होगी, अपर कुलम होगी, फिर ये स्टेराइल जैकेट मल्टी सेलुलर जैकेट लेयर होगा, और यहाँ से ये है स्टाक इसका, ये क्या है स्टाक है, और यहाँ पर एंड्रोगोनियल सेल, देखिए ज़रा ऐसे ही इसमें ये सेल्स हैं ये, ठीक है। ये मैंने बताया स्टेराइल जैकेट है, और यहाँ पर क्या है अपर कुलम है। उसके बाद ये स्टाक हो गया, अब यहाँ से एंड्रोसाइट, ये जो सेल है इसमें दो एंड्रोसाइट सेल होती है, एंड्रोसाइट्स होती हैं दो, और यहीं से इस एंड्रोसाइट से दो क्या निकलते हैं एंथ्रेजॉइड्स, ये ऐसे एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लेजलेट स्पाइरल एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथेरोजॉइड्स हैं। ये कैसे हैं देख लीजिए, स्पाइरल एंड बाइफ्लेजलेट, स्पाइरल एंड बाइफ्लेजलेट है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और है, एंड्रोगोनियल सेल से ही ये विकसित हुए थे, एंड्रोसाइट किस सेल से? एंड्रोगोनियल सेल से, ठीक है, एंड्रोगोनियल सेल से ये जो सेल्स हैं ये हैं एंड्रोगोनियल सेल। अच्छा, प्रारंभ में तो ये दूसरे हल्के ग्रीन कलर में होगा, लेकिन मैच्योरिटी पर ये कैसा हो जाता है? रेड इन कलर, यानी इसका जो रंग है कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है। अब अगर आर्चिगोनिया की बात करें भाई, आर्चिगोनिया की तो फ्लास्क नुमा संरचना है कुछ इस तरह से ऐसा। अब इसमें भी भाई जैकेट लेयर है, यहाँ आप देख रहे हैं जैकेट लेयर है, ये जैकेट लेयर है। यहाँ पर कौन सी कैप सेल होती है, कवर सेल कह दीजिए। यहाँ पर नेक कैनाल सेल है, ये नेक कैनाल सेल की संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक कैनाल सेल, ये नेक है पूरा का पूरा, ये भाग है नेक, और ये फूला हुआ भाग है विंटर, ठीक है। अब विंटर में विंटर कैनाल सेल होती है, VCC विंटर कैनाल सेल होती है, विंटर भाग में, नेक भाग में नेक कैनाल सेल होती है। इसकी संख्या होती है 6 से 9, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेक कैनाल सेल की संख्या 6 से 9। और यहाँ होती है ईग सेल, कौन सी सेल? ईग सेल होती है यहाँ से, ठीक है, ईग सेल होती है। तो ये हो गया एंथ्रीडिया, यहाँ से एंथ्रीडिया से क्या निकल रहा है भाई? एंथ्रेजोआइड्स निकल रहे हैं, एंड्रोगोनियल सेल से दो एंड्रोसाइट सेल बन रही हैं, दो एंड्रोसाइट सेल से क्या एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेक कैनाल सेल, अच्छा एक बात और, ईग सेल और विंटर कैनाल सेल, वहाँ से ईग से जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ये एंथेरोजॉइड जल की धारा के द्वारा, जानते हैं वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जल आवश्यक होता निषेचन के लिए, इसलिए फर्टिलाइजेशन इसमें जूआइडोगैमस होता है। फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है? जूआइडोगैमस, क्योंकि इसमें जो है मेल मोटाइल होता है और निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, इस कारण से इसमें फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं जूआइडोगैमस। क्या कहते हैं? जूआइडोगैमस कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस चल रहा है, आगे देख लीजिए
क्या होता है, एंथ्रोजोआइट जाता है तो यहाँ पर ये सभी जो है नष्ट हो जाती है, चिपचिपे तरल का म्यूसिलेज का स्राव करती है जिसमें सुगर्स होता है और कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करता है, एंथ्रोजोआइट्स को ले जाता है, एक्सेस फ्यूज करता है, एक फ्यूज करके जाइगोट बना देता है। और जाइगोट क्या होती है, स्पोरोफाइट स्टेज की पहली सेल होती है जाइगोट, ठीक है, 2N होती है। अब चलिए दिखाते हैं आगे इसके प्रोसेस, थोड़ा लाइफ साइकिल को फिर आगे चलते हैं। इसके स्पोरोफाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पोरोफाइट ही फ्यूनेरिया का अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके लाइफ साइकिल को देख लिया जाए, ठीक है, इसके लाइफ साइकिल को देखिए। लाइफ साइकिल में मैंने बताया इसका मुख्य पौधा कैसा होता है, गैमिटोफाइट, कैसा होता है, गैमिटोफाइट होता है ईयन, और इसी पर एंथ्रीडिया भी होगा, इसी पर आर्चिगोनिया होगा, क्या होगा, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया होगा और एंथ्रीडिया से ही बनेगा क्या, ये हो गया एंथ्रीडिया, और यहाँ होती है आर्चिगोनिया, क्या है, आर्चिगोनिया, ये भी एन, ये भी एन, आर्चिगोनिया से डेवलप होता है तो बनता है इग एन, और इससे बनेगा एंथेरोजोआइड, एंथेरोजोआइड्स बनता है, एंथेरोजोआइड्स, ये भी एन, अब ये एंथ्रोजोआइड्स और ये इग, ये दोनों मिलेंगे तो होगा फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मैंने बताया जुआइडोगैमस होता है, कैसा होता है ये, जुआइडोगैमस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और इम्ब्रियोजेनी इग्जोस्कोपिक, इम्ब्रियोजेनी इग्जोस्कोपिक होती है इसमें, ठीक है, इम्ब्रियोजेनी इग्जोस्कोपिक, स्कोपिक, ठीक है, स्कोपिक। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ बनता है जाइगोट, क्या बनता है यहाँ पर, ये बनता है जाइगोट, अब यन यन से जाइगोट हो गया 2N, अब यही स्पोरोफाइट आ गया, ये गैमेटोफाइट स्टेज है पूरा, अब ये कौन सा स्पोरोफाइट स्टेज है, स्पोरोफाइट, जाइगोट से फिर बनता है क्या, इम्ब्रियो, क्या बनता है, इम्ब्रियो, ये भी 2N होगा इम्ब्रियो, अब ये इम्ब्रियो बनाएगा क्या, स्पोरोफाइट, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट स्टेज बनाएगा, ये भी 2N होगा, स्पोरोफाइट्स स्टेज में फूड सीटा कैप्सूल होता है, क्या होता है, कैप्सूल, ये भी 2N, अभी कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती हैं, स्पोर मदर सेल 2N, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन, यहाँ कौन सा विभाजन होता है भाई, यहाँ होता है मियोसिस, मियोसिस, अब यहाँ से बन जाते हैं स्पोर, क्या बन जाएगा यहाँ, स्पोर, अब ये स्पोर यन हो जाता है तो गैमेटोफाइट आ गया, यन का मतलब गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट अवस्था की पहली सेल कौन होती है, स्पोर होती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये स्पोर हो गया, स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट एंड टू फॉर्म, और बनाएगा क्या, प्रोटोनीमा, क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा फ्यूनेरिया में, अब इसके बाद फिर क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट आ जाता है। तो ये है पूरा का पूरा क्या, लाइफ साइकिल, यहाँ से यहाँ तक का जो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये पूरा ऊपर जो है ये है गैमेटोफाइट, और नीचे पूरी प्रोसेस क्या है, ये है स्पोरोफाइट 2N, ठीक है, तो ये इसका एक पीढ़ी एकांतरण है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें लॉन्गेस्ट आर्चिगोनिया पूरे प्लांट किंगडम में इसी में पाई जाती है, फ्यूनेरिया की आर्चिगोनिया सबसे लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम पूरे पादप जगत में सबसे बड़ी आर्चिगोनिया होती है, किसकी, फ्यूनेरिया की। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी अगर हम बात करें स्पोरोफाइटिक अवस्था की, स्पोरोफाइटिक अवस्था की अगर बात करें दोस्त, तो उसको भी देख लेते हैं, इसका स्पोरोफाइटिक अवस्था जिसमें फूट सीटा और कैप्सूल होती है उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट स्टेज की, इसकी स्पोरोफाइट स्टेज जो है ये फूट सीटा और कैप्सूल 3 भागों में बटी होती है। तो देखिए यहाँ से नीचे इसके फूट है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बीच में ये सीटा है और ये पूरा का पूरा भाग क्या है, ये है कैप्सूल। तो ये इसका यहीं से क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसके जो है देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये भाग है एपोफाइसिस, और ये भाग है स्वेलिंग पार्ट्स है थीका, और ऊपर ये भाग है ऑपरकुलर रीजन, ये भाग है ऑपरकुलर रीजन, और ये भाग है कैलिप्ट्रा, 4 भागों में बटा है, एक तो है एपोफाइसिस, दूसरा थीका, ऑपरकुलर रीजन और कैलिप्ट्रा।
तो अब यहाँ पर देखिए जो सीटा है, सीटा से बिल्कुल ये देख रहे हैं और बिल्कुल ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड, और ये बीच में भाग है कालू मेला, ये स्टेराइल पार्ट होता है कालू मेला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। फिर इस यहीं पर अपर स्पोर सैक की वाल्व के ऊपर से निकलता है पेरिस्टोमियल टीथ, और ये 32 टीथ होते हैं 32-16-16 की कतार में यहाँ पर। और एनुलस, ये अपर कुलरिजन दो भाग में बटा होता है, एनुलस और रिम, ठीक है, एनुलस और रिम, यहीं से हाइड्रोस्कोपिक बाद में क्या होता है ड्राइव हो जाता है और यहीं से स्फुटन होता है यहाँ से, तो स्पोर यहाँ से, ये है स्पोर, यहाँ से मुक्त होते हैं। ये स्पोर सैक है, ठीक है, आउटर वाल है और ये है इनर वाल स्पोर सैक की। इपिडर्मिस है सबसे बाहर की तरफ, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर क्लोरेनकाइमा है, फिर इसमें ये ट्रेबिकुली है और एयर स्पेस है, ये बीच में ये है एयर स्पेस, ठीक है, एयर स्पेस है। और यहाँ पर इसके एपोफाइसिस भाग में क्या उपस्थित होता है, ये है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कहाँ उपस्थित है, इसके एपोफाइसिस भाग में, थीका भाग में क्या उपस्थित है, कालू मेला है, ठीक है। तो ये दोस्त आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, और मैं अब दिखा रहा हूँ इसको शार्ड फॉर्म में, देखिए जरा आगे, शार्ड फॉर्म का मतलब इसका स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर, आंशिक रूप से डिपेंडेंट होता है। मैच्योर स्पोरोफाइट फूड सीटा और कैप्सूल तीन भागों में बटा होता है, फूड सीटा और कैप्सूल में। इसका फूड का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर, जल को अवशोषित करना और मिनरल को अवशोषित करना फ्रॉम गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से जल और मिनरल को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। सीटा का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ द फूड यानी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है सीटा का काम। कैप्सूल किस आकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पियर शेप्ड होता है, रेड अथवा ब्राउनिश इन कलर होता है, लाल अथवा भूरे कलर में होता है, ठीक है। ये कौन सा कैप्सूल, कैप्सूल जो है इसमें कितने भाग होते हैं, ये एक होता है एपोफाइसिस, थीका, अपर कुलर रीजन और कैलिप्ट्रा, कितने भाग हैं, चार भाग हैं इसमें, ठीक है, कितने हैं, चार भाग हैं। और कैप्सूल दो जोन में डिवाइड होता है, एक आउटर जोन है और एक इनर जोन। आउटर जोन को कहते हैं एम्फीथीसियम, इनर जोन को कहते हैं एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम क्या बनाता है, वॉल ऑफ कैप्सूल बनाता है, जबकि इंडोथीसियम क्या बनाता है, कालू मेला और आर्चिस्पोरियम। ये बहुत ज्यादा पूछा, ये पूछा गया दोस्त, ठीक है, इंडोथीसियम क्या बनाता है, आर्चिस्पोरियम और कालू मेला बनाता है। आगे देख लीजिए जरा, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एपोफाइसिस, थीका, अपरकुलर रीजन और कैलिप्टर चार पोर्शन है, चारों का तुलनात्मक अध्ययन देखिए। एपोफाइसिस स्टेराइल होता है, बंद होता है और बेसल भाग होता है। थीका क्या है, मिडिल और फर्टाइल भाग होता है, यहीं पे स्पोर होते हैं, थीका भाग में फर्टाइल होता है। और ये बटा होता है थीका कितने भाग में, वाल ऑफ कैप्सूल, एयर स्पेस और कालू मेला। जो एयर स्पेस होता है देख लीजिए, इसी एयर स्पेस के बीच बीच में जो है सेप्टा होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रेबिकुली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेबिकुली कहाँ होता है, एयर स्पेस के बीच बीच में थीका भाग में। अपर कुलर रीजन दो रिंग में बटा होता है, एक अपर रीजन जिसे क्या कहते हैं, अपर रीजन को कहते हैं एनुलस, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनुलस, और लोअर क्या कहलाता है, रिम कहलाता है, रिम, ठीक है। और कैलिप्ट्रा ये गैमेटोफाइटिक टिश्यू होता है, अर्थात कैलिप्ट्रा यन होता है, अगुणित होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और किससे विकसित होता है, डेवलप्ड फ्रॉम विंटर ऑफ आर्चिगोनिया, क्वेश्चन बन चुका है, ये भी बन चुका है, ठीक है। और अब क्या बनने की संभावना है, कि इसका फंक्शन मेम्ब्रेनस और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में होता है, मेम्ब्रेनस और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में यह होता है। और देखिए फटाफट बिल्कुल जो है, अब यहाँ देखिए पॉइंट्स, एट द माउथ ऑफ स्पोर सैक, स्पोर सैक के मुख पर 32 पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, पेरिस्टोम दांत कितने होते हैं, 32, और दो कतार में ये अरेंज होते हैं, 16-16 की कतार होती है। और ये जो है, हम आपको बता दें, जो पूरा का पूरा कैप्सूल भाग है, इसमें ये रेडिश इन कलर, किस कलर में, रेडिश कलर में, सॉरी नट पेरिस्टोमियल टीथ रेडिश इन कलर में होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और फ्यूनेरिया में सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अभी आपने नहीं देखा होगा कि फ्यूनेरिया स्टिगोकार्पस मॉस कहलाता है। स्टिगोकार्पस मॉस क्यों कहलाता है, सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जटिल प्रश्न, ठीक है, आने की संभावना है बिल्कुल। स्टिगोकार्पस मॉस क्यों कहलाता है, क्योंकि कैप्सूल जो फटता है, इसमें डेहिसेस होता है, वो प्री डिटरमाइंड लाइन, पहले से निर्धारित लाइन द्वारा होता है, बाय पेरिस्टोम टीथ, जो किसके द्वारा बनता है, पेरिस्टोम टीथ के द्वारा बनता है, पेरिस्टोम टीथ के द्वारा पहले से निर्धारित लाइन के द्वारा कैप्सूल का स्फुटन होता है, जिस कारण फ्यूनेरिया को क्या कहते हैं, स्टिगोकार्पस मॉस कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए जरा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें कैसा होता है, हेट्रोमॉर्फिक टाइप का होता है और स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है इसमें, और इसमें स्पोर जो होती है वो स्पोर का डायामीटर कितना होता है, व्यास 12 से 20 माइक्रोन का होता है, और स्पोर ही फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक अवस्था होती है, और क्या बनाता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है, और लाइफ साइकिल इसकी डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। किस प्रकार की होती है, लाइफ साइकिल
डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे मैं आपको बता दूं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हो गया इसमें, और मियोसिस किस प्रकार की होती है, स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है, स्पोर का डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोन का होता है, इसमें लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है, ठीक है, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल, फ्यूनेरिया का स्पोर कितना, फ्यूनेरियम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक टाइप का स्पोरोजेनिक मियोसिस, स्पोर क्योंकि ये अगुणित हो जाता है ना यन, तो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट सेल की पहली अवस्था होती है, और क्या बनाता है, ये स्पोर बनाता है पहले जर्मिनेट करके, क्या करके जर्मिनेट करके क्या बनाता है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त फ्यूनेरिया का जो लेक्चर है, मैं आपको बता दूँ अपने इस लेक्चर में एक मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताया, क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा देखिए कवर करना रहता है। यह लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हमारे बस यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर से फ्यूनेरिया के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।